हेलो एंड वेलकम टू आर एल आर एक्सेल नेटवर्क। मैं हूं आपका दोस्त और आज की इस 11th वीडियो में वीबी सीरीज़ की मैं आपको सिखाऊंगा चार चीज़ें कमाल की। सबसे पहले कि वीबीए के अंदर वेरिएबल्स क्या होता है, दूसरी वीबीए के अंदर वेरिएबल्स को हम कैसे लिखते हैं, तीसरी वीबीए के अंदर हम अपना इनपुट बॉक्स कैसे जनरेट कर सकते हैं, और चौथी कि वीबीए के अंदर हम कैसे अपना मैसेज बॉक्स क्रिएट कर सकते हैं। ये चार चीज़ें आज हम इस वीडियो के अंदर सीखेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी एक्स्ट्रा टाइम लेट्स गो आर वीबीए पेस एंड लर्न हाउ वी कैन डू दिस। ऑलराइट, सो बिफोर वेस्टिंग एनी एक्स्ट्रा टाइम लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। एंड बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, इफ यू डिड नॉट सब्सक्राइब माई चैनल स्टिल, सो प्लीज सब्सक्राइब इट क्विकली, बिकॉज आई ऑलवेज ट्राई टू मेक द यूजफुल वीडियोज फॉर यू सो दैट यू कैन बिकम एन एक्सेल एक्सपर्ट ईजली। राइट, सो सबसे पहले समझते हैं कि वेरिएबल्स का मतलब क्या होता है। सो वेरिएबल्स का मतलब होता है वीबीए के अंदर ऐसा कोई भी नाम जिस नाम के अंदर आप अपना डेटा स्टोर करोगे। ऑलराइट, ये क्या होता है, ये धीरे धीरे आप जो है कोडिंग की प्रैक्टिकली जब हम करेंगे सो आप समझ जाएंगे। सो हम चलते हैं डेवलपर टैब के अंदर, विजुअल बेसिक्स के पेज को ओपन करते हैं और यहाँ पर हम अपना कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले हम अपना सब्जेक्ट का नाम देते हैं जो कि होगा यूज़र वेरिएबल। आप कोई भी नाम दे सकते हैं, मैंने यहाँ पर नाम दे दिया यूज़र वेरिएबल। उसके बाद अपोस्ट्रोफ का सिंबल डाल के हम अपना कमेंट्स लिखते हैं। सो कमेंट होगा दिस कोड विल बी यूज फॉर बेसिक कैलकुलेशन। आप कोई भी मैसेज या कोई भी कमेंट्स यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। ऑलराइट, उसके बाद अब हम यहाँ पर अपना कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। सो कोड की स्टार्टिंग जो होती है वो सबसे पहले होगी डिम। यहाँ पर मैंने आपको बताया डिम जो है एक प्रोसेस है जो कि किसी भी कोड को या किसी भी वेरिएबल को डिफाइन करता है। ऑलराइट, यहाँ पर डिम की कोई फुल फॉर्म नहीं है एक्चुअली में, बट अगर आप इसको क्लोजली जानने की कोशिश करेंगे सो एक इसकी फुल फॉर्म निकल कर आएगी, वो है डिक्लेयर इन मेमोरी। ऑलराइट, सो यहाँ पर डिम हम यहाँ पर कोई भी वेरिएबल का नाम दे सकते हैं। सो मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया नम वन। ये नम वन वो एक बॉक्स है जिस बॉक्स के अंदर कोई भी अगर आप वेरिएबल या कोई भी अगर आप नंबर या कोई भी अगर आप अल्फ़ाबेट स्टोर करना चाहेंगे तो सो वो इस वेरिएबल के अंदर जाकर स्टोर होगा। ऑलराइट, आई होप कि ये जो है थोड़ी ट्रिकी चीज़ें हैं, सो इतनी आसानी से समझ में नहीं आएंगी जब तक आप इस वीबीए सीरीज़ को पूरी डिटेल में नहीं सीखोगे। ऑलराइट, सो मैंने यहाँ पर टाइप किया डिम नम वन एक वेरिएबल एज इंटीजर। ऑलराइट, सो मैंने यहाँ पर बताया कि डिम नम वन एज इंटीजर, यहाँ पर इंटीजर का मतलब होता है वीबीए के अंदर या एक्सेल के अंदर वो वैल्यूज़ जो कि विदाउट डेसिमल या फिर विदाउट पॉइंट्स वाली होती हैं, जो सिर्फ और सिर्फ नंबर होते हैं, जैसे 45, 96, 101, 145, 1001। ये वैल्यूज़ जो होती हैं ये सारी की सारी इंटीजर वैल्यूज़ होती हैं। ऑलराइट, अगर आप 94.26, 88.92, सो ये वैल्यूज़ आप नहीं ले सकते बिकॉज ये डेसिमल वैल्यूज़ हैं। ऑलराइट, सो यहाँ पर मैंने डिम नम वन एज इंटीजर दिया। मैं एक और डिम डिक्लेयर करता हूँ, वो होगा नम टू, इसको भी मैं बनाता हूँ इंटीजर, और एक और मैं वेरिएबल बनाता हूँ नम थ्री नाम से, उसको भी मैं बनाता हूँ इंटीजर। ऑलराइट, सो यहाँ पर मैंने तीन वेरिएबल लिए हुए हैं। सो एक एक वेरिएबल को चलते हैं डिफाइन करते हैं। सो सबसे पहले नम वन वेरिएबल को हम डिफाइन करते हैं और इसको डिफाइन करते हैं हम एक इनपुट बॉक्स के थ्रू। ब्रैकेट ओपन करते हैं और कोट्स के अंदर लिखते हैं प्लीज एंटर योर फर्स्ट वैल्यू। ऑलराइट, सो ये क्या होगा, जैसे ही कोड रन होगा तो सबसे पहले जो है आपके सामने एक इनपुट बॉक्स आएगा और बोलेगा प्लीज़ एंटर योर फर्स्ट वैल्यू। वहाँ पर आप कोई भी वैल्यू अपनी आप टाइप कर सकते हैं। ध्यान रखें इंटीजर वैल्यू टाइप करेंगे आप। उसके बाद कोट्स को क्लोज करें और ब्रैकेट क्लोज करें। सो यहाँ पर नम वन जो कि मैंने वेरिएबल बनाया था उसको मैंने बता दिया कि उसका काम क्या है। सेम मैं नम टू के लिए बताता हूँ। सो नम टू के लिए मैं कहता हूँ एक इनपुट बॉक्स, उसके बाद ब्रैकेट को ओपन करेंगे, कोट्स ओपन करेंगे और यहाँ पर टाइप करेंगे प्लीज़ एंटर योर सेकंड वैल्यू। कोट्स को क्लोज, ब्रैकेट क्लोज। सो यहाँ पर मैंने अपने नम वन नम टू जो वेरिएबल्स थे उनको बता दिए कि इनके लिए क्या क्या काम है। अब लास्ट रह गया आपका
num three variables के बारे में बताना। सो मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ num three is equal to, इसको हम मैसेज बॉक्स के रूप में दिखाएंगे। सो मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ मैसेज बॉक्स, ब्रैकेट ओपन करते हैं, और मैसेज बॉक्स के अंदर क्या होगा, num one और num two में जो भी आप वैल्यू पुट करेंगे उसका मल्टीप्लीकेशन आएगा। ऑलराइट, सो अब क्या होगा, चलते हैं इस कोड को रन करते हैं और देखते हैं एक्चुअली में कि हमने क्या किया और क्या हो रहा है। ऑलराइट, सो मैं सिंपल जो है अपनी एक्सेल की शीट के ऊपर आता हूँ, डेवलपर टैब में जाएंगे, यहाँ से मैक्रोज के अंदर जाएंगे और जो मैंने यूज़र वेरिएबल्स का मैक्रोज बनाया था इसको हम रन करेंगे। ऑलराइट, देखते हैं यहाँ पर सबसे पहला जो इनपुट बॉक्स है उसमें पूछ रहा प्लीज़ एंटर योर फर्स्ट वैल्यू, सो मैंने यहाँ पर देता हूँ लेट्स से 7, ओके करूंगा। सो यहाँ पर दूसरा इनपुट बॉक्स आया, बोल रहा है प्लीज़ एंटर योर सेकंड वैल्यू, सो यहाँ पर मैं अपनी सेकंड वैल्यू दे देता हूँ, लेट्स से मैं दे देता हूँ 9। और उसके बाद जैसे ही मैं ओके करूंगा, सो मैंने मैसेज बॉक्स में क्या बोला था कि num1 और num2 के अंदर जो भी वैल्यूज होगी उनका मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा। सो मैं ओके करता हूँ और यहाँ पर देखिए आंसर आ गया 63, बिकॉज 7 इंटू 9 इज इक्वल टू 63। ऑलराइट, अगर आप चाहें तो इस विजुअल बेसिक्स के अंदर मल्टीप्लीकेशन के अलावा कुछ और भी अगर करवाना चाहें तो वो भी करवा सकते हैं। लेट्स से अगर मैं एडिशन करवाना चाहूँ तो एडिशन भी करवा सकता हूँ। चलते हैं देखते हैं, रन करते हैं कोड को। मैंने यहाँ पर टाइप किया 8, ओके, मैंने यहाँ पर टाइप किया 5, उसके बाद ओके, अब यहाँ पर देखिए 13 आ चुका है। ऑलराइट, सो कोई भी अगर आप बेसिक कैलकुलेशन अगर करना चाहते हैं तो वो चीज़ आप यहाँ पर शो कर सकते हैं मैसेज बॉक्स के रूप में। आप इसको और भी अच्छा बना सकते हैं, कैसे, आप एक मैसेज बॉक्स के अंदर ब्रैकेट ओपन करें और टाइप करें कैलकुलेशन ऑफ बोथ नंबर इज, उसके बाद आप सिंपल जो है ब्रैकेट को क्लोज करें और एम परसेंट का सिंबल लगा दें। ऑलराइट, सो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर मैं इसको जो है चूंकि ये अल्फाबेट्स है सो मैं इसको कोड्स में लिखूंगा। अब क्या होगा देखते हैं, चलिए मैं कोड को रन करता हूँ। पहला कोड, पहला नंबर पूछ रहा है सो मैंने यहाँ पर टाइप किया 8, ओके। दूसरा नंबर पूछ रहा है, मैंने यहाँ पर टाइप किया 98, उसके बाद ओके। अब देखिए आ रहा है कैलकुलेशन ऑफ बोथ नंबर इज 106। ऑलराइट, सो यहाँ पर आप जो है एक मैसेज के साथ भी जो है अपनी चीज़ों को डिफाइन कर सकते हैं, आसान तरीका। सो इस तरीके से आप जो है एक्सेल के अंदर वीबीए के थ्रू वेरिएबल्स को यूज़ करना सीख सकते हैं और अपनी बेसिक्स कैलकुलेशन को ईजी बना सकते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट वीडियो में हम किसी वीबीए कोड के न्यू ट्रिक्स और टिप्स के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इस वीडियो को देखने के बाद अगर पसंद आती है तो इसको लाइक कर दें, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी बहुत सारी वीडियोस और बनाऊं और आपको सिखाऊं वीबीए के अंदर, सो आप इस वीबीए के थ्रू इस वीडियो के नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसे लगे। ऑलराइट, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।